देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। रामपुर के गांधी स्टेडियम में 4 सितंबर को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। गांधी स्टेडियम में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के 4 सितंबर को रामपुर आगमन पर गांधी स्टेडियम पर का जिला अधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने मौके का जायजा लिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को आ रहे हैं रामपुर, कार्यकर्ताओं की और जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे। इसके बाद जनसभा भी होगी, बाल गृह भी जाएंगे। उसी सिलसिले में उन्हीं की तैयारी में आज हमारी पार्टी कार्यालय पर बैठक। किस तरह की जिम्मेदारियां सौंपी गई? सबको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, हर जगह हर क्षेत्र में हर बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता मोदी जी की योगी जी के कार्यक्रम में उपस्थित हो, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। क्या सौगात मिलने की उम्मीद है इस बार? देखिए देखते हैं, उनके कहने से पहले मेरा कहना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो सारा पिटारा जो भी देने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से अच्छा लगेगा। लखनऊ में सपा प्रवक्ता ने एनसीआर बनने की कवायद पर बीजेपी पर निशाना साधा है। अमित जामेई ने बयान देते हुए कहा है कि वाराणसी के कोहिटो में बन जाने की अपार सफलता के बाद एनसीआर की बहस शगुफा है। 2017 के बाद लखनऊ इसके परिधि में अभी तक एक आर्थिक बिजनेस या आईटी हब तक नहीं बना। आइए जानते हैं इसके अलावा सपा प्रवक्ता अमित जामेई ने क्या कुछ कहा। वाराणसी में क्योटो बनने की अपार सफलता के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का एक नया शगुफा उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है, लखनऊ को एनसीआर बनाने का। समाजवादी पार्टी ये सवाल करती है कि मुख्यमंत्री योगी जी 2017 के बाद लखनऊ ना इकोनॉमिक हब के मामले में एक कोई इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास लगी, लखनऊ में ना कोई इकोनॉमिक सेक्टर में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, लखनऊ में ना ही कोई आईटी हब का कोई नया वेंचर ने यहां कदम रखा। सवाल यह कि 2017 के बाद जब आप पूरे लखनऊ में चाहे कोई बड़े हॉस्पिटल्स हों चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, जब आप नहीं कर पाए, ये एनसीआर बनने का शगुफा बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारा वाराणसी। कन्नौज के छिबरा नगर क्षेत्र मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक प्लांट मालिक ने पेशाब करने के स्थान पर देवी देवताओं की तस्वीर लगा दी। प्लांट मालिक का कहना है कि मकान के पीछे लोग पेशाब करते थे, जिसके चलते उसने देवी देवताओं की तस्वीर लगाई। वहीं तस्वीर लगाने की सूचना मिलते ही हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने जाकर मूर्तियों को हटवाया। वहीं इस मौके पर पुलिस ने भी मौजूद रही। अभी हम लोगों हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों से सूचना प्राप्त हुई कि छिबरा नगर में एक व्यवसाय खाद की दुकान की है, गुप्ता जी हैं, उन्होंने यहाँ पर पेशाब लोग करते थे और उसके स्थान पर उन्हें बहुत सारे भगवान शंकर माता जी की और कई देवी देवताओं की उसमें टाइल्स वाली उसमें इन्होंने जुड़वा दिया था सीमेंट से ताकि लोग वहाँ पर पेशाब ना कर पाए। लेकिन जब हिंदू जागरण मंच के लोगों को पता चला तो सभी लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने इस बात की आपत्ति जताने के बाद तुरंत उनको अवगत कराया, लेकिन वो अपनी बात को गलती स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन वो बोले कि उन्होंने जब हम लोगों ने ज़्यादा दबाव दिया उल्टा इधर बोला, उसके बाद उन्होंने तत्काल हटाई और अपनी गलती को स्वीकार किया। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र से कुछ वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में विशेष समुदाय से जुड़े दो लोगों के साथ कुछ युवक मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में पीड़ित विशेष समुदाय के दो लोगों के साथ मारपीट की गई और दूसरे धर्म के नारे लगाने के लिए कहा गया, जिसके बाद पीड़ित ने घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। किस चीज की फेरी करते हैं आप लोग? कपड़े की, बच्चों के कपड़े बेचता हूँ जी। फिर क्या? बच्चों के कपड़े रास्ते में मिले, पहले गाली दी उन्होंने मुंडा और जो है वह, फिर आगे आके गाड़ी मेरे सामने कर ली, फिर वो कहने लगे जय श्री राम बोल, जय भगवान की, जय भोले की, ऐसा कह रहे, जय माता की, वो कह रहे। मैंने कह नहीं तो फिर मेरे को बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं यहाँ से टहलने के लिए निकला तो गौशाला के आगे दो स्कूटरी सवार आ रहे थे। आने के बाद जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मुझे देखते ही कह रहे ओ मुल्ले
ठहर जा रुक जा। तो मैं रुका नहीं, मैंने सोचा कि शायद ये बदतमीजी कर लें, तो मैं लौटने लगा, उधर से चलने लगा, तो वो मेरे सामने आके स्कूटरी लगा दी उन्होंने और मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहने लगा कि भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम बोलो, यानी ऐसे ऐसे शब्द वो कहने लगे जिससे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने लगा। फिर मैंने कहा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं होने लगा। कई थप्पड़ मारी, मुझे ऐसे मारा जिससे कि अंदरूनी चोट पहुँच सके। मथुरा में पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ कोसी कला नंदगांव रोड पर हुई। इस दौरान एक बदमाश को गोली लग गई। पुलिस और एसओजी की टीम राधाष्टमी और शनि देव दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिए चेकिंग कर रही थी। वहीं बदमाशों से पुलिस ने 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। पुलिस ने घायल बदमाश सहित 2 शातिर लुटेरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोशी कला पुलिस के द्वारा एसओजी के साथ मिलकर के कोशी नंदगांव रोड पर आगामी राधाष्टमी व शनिदेव मंदिर की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान जब एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया गया तो उसके पीछे बैठे बदमाश के द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। इस दौरान 2 बदमाश घायल अवस्था में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम कृष्ण मुरारी थाना जय तथा अभेश थाना लाया है। देश भर में गणेश उत्सव को लेकर धूम मची है। वहीं प्रयागराज में जगह जगह गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि संगम नगरी के सिविल लाइंस इलाके की गणपति पूजा में हिंदू मुस्लिम एकता का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, जहां सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम परिवार भी धूमधाम से यह पर्व मना रहा है। साथ ही गंगा जमुना तहजीब मिसाल पेश कर मुस्लिम समाज आपसी भाईचारा व शांति का पैगाम दे रहे हैं। अच्छे से आरती किया, हम लोग का ये शौक है। हर साल हम लोग के यहाँ गणपति बप्पा आए, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं और हम लोग क्या हर चीज़ एकता से बनाते हैं। हम लोग में बहुत एकता, हम लोग हर त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं, चाहे ईद हो चाहे गणेश उत्सव। कायनात पूजा अर्चना हो रहा है, गणपति बप्पा को आज बैठाया गया है। ये हमारे मुस्लिम भाइयों के सहयोग से और इस मोहल्ले में हर त्यौहार हिंदू का हो या मुस्लिम का हो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ईद, होली और गणपति बप्पा इस बार बैठाया गया है और ये लोगों का सहयोग था, इन लोगों का मन था कि गणपति बप्पा यहाँ बैठाए जाए और अच्छे से पूजा सब कुछ अच्छा से हो, अच्छा अच्छा सब कुछ बीतेगा। और बहुत बहुत सब लोगों का धन्यवाद जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम लोग हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे गणपति बप्पा। गोंडा में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचे बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल आपसी मतभेद को लेकर स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे थे। लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के सख्त निर्देश के बाद भी सुधार नहीं आ रहा है। आप कौन है यहाँ पर? हम स्टाफ नर्स। यहाँ पर मनकापुर में धरना प्रदर्शन किस प्रकार से क्या चल रहा है, क्या मामला है? धरना प्रदर्शन इसीलिए चल रहा है कि सुषमा मैडम सुबह सुबह आती हैं, सारे जगह का फोटो खींचती हैं, सबको अभद्र गाली गलौज उल्टा सीधा बोलती हैं और निजी मतलब जो भी कार्य हम लोग करते हैं उसको सुचारू रूप से करने नहीं देती हैं। ऑपरेशन आज तक उन्होंने एक भी नहीं किया। ऑपरेशन वाले मरीज से पर्चा छीन के इधर उधर प्राइवेट नर्सिंग होमों में या इधर उधर टॉर्चर करके भेज देती है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है सुषमा मैडम को यहाँ से हटाया जाए, अगर जो हम लोग सुचारू रूप से काम कर सकते हैं। तो आपका धरना आज समाप्त हो जाएगा या अभी आगे चलेगा? खबर औरैया के रामगढ़ रोड से है, जहां ट्रैक्टर के गड्ढे में गिरने से उसमें सवार एक युवक की मौके से मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकलवाया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर रामगढ़ से मिधना की साइड जा रहे थे, यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं गड्ढे में अनियंत्रित होकर के पलट जाने से एक व्यक्ति उसके नीचे दबाव और दूसरा व्यक्ति साइड में था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है और जेसीबी बनाई गई है, जेसीबी की मदद ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया, गंभीर अवस्था में डॉक्टर के लिए भेज दिया गया, दूसरा व्यक्ति
नॉर्मल है, उसको भी साफ कर दिया है। दोनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा और ग्रामीणों की मदद से निकाला गया। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। पुलिस बेहटा हाजीपुर अंडरपास के पास चेकिंग कर रही थी, जिसके बाद सामने से बुलेट बाइक पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की, जिसके बाद बदमाशों को घेर लिया गया। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में थाना लोनी बॉर्डर और एसओजी देहात की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। एक बुलेट सवार दो व्यक्ति संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम को देख करके पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की और फायरिंग करते हुए काफ़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया। इस पर तत्काल लोनी बॉर्डर की टीम के द्वारा विभिन्न थानों को जरिए वायरलेस सूचना दी गई, जिस पर आगे एक टीम और भी चेकिंग कर रही थी, वो बंथला बंद फाटक की तरफ मूव की। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि पूछताछ के बाद पुलिस ने ससुराल के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जाँच जारी है। जो पड़ोस में से किसी ने फ़ोन किया था कि आपकी लड़की बीमार है, ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और यहाँ देख आके देखा तो ये हमने इनसे पूछा क्या हुआ, ये कहने लगे अटैक पड़ा है लड़की को। सर किसी को अटैक बता गया, किसी को पीले बता गया, किसी को टाइफाइड बताया गया सर, और हमें कोई सूचना नहीं दी किस चीज़ की। और उसके लिए सूचना दी सिकंदराबाद जी, और सिकंदराबाद की सूचना दी है, उसके आधार पर हम आए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।